नमस्कार साथियों, फार्मर बंधु यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जी सोनालिका 50 DI के बारे में, डिलक्स के फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जी, और आपको टू व्हील और फोर व्हील दोनों में उपलब्ध हो जाएगा। सबसे पहले बात करें अगर इसके टायरों के साइज़ की, तो इसमें जो टायरों का साइज आपको मिलने वाला है जी वो दिया गया है 8-3-20 का, और जो पिछले टायर दिए गए हैं इसके अंदर वो आपको मिलेंगे 14-9-28 के। ये जो है 52 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी, और 3 सिलेंडर है, बोश कंपनी का इनलाइन पंप लगा हुआ है, 3065 CC का इसके अंदर आपको इंजन मिलने वाला है। वहीं पे फ्रंट से बात करें तो आपको फ्रंट में बम्फर मिल रहा है जी, हैवी वेट बम्फर है, और LED टाइप की आपको लाइट मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कि LED टाइप की लाइट मिलने वाली है। OIP आपको इसका एयर क्लीनर मिलने वाला है, कूलिंग सिस्टम इसका कूलेंट मिलने वाला है। फोर व्हील ड्राइव जो एक्सल है कुछ आपको इस तरह का मिलने वाला है, सील्ड टाइप का एक्सल दिया गया है इसके अंदर, और फ्रंट में ही आपको हुक मिल रही है ट्रैक्टर को, जो 1D दी गई है, चूल्हा दिया गया है उसके आगे ही, ताकि ट्रैक्टर वगैरह अगर टोचन करना पड़ जाए तो ट्रैक्टर को ब्लॉकेज होने का दिक्कत नहीं है। CM सीरीज है, यानी कि सिंक्रोमस सीरीज है जी, और कॉन्स्टेंट मैश गेयरबॉक्स के साथ ट्रैक्टर मिल रहा है जी। लोहे का फ्यूल टैंक मिलने वाला आपको इसके अंदर, और इनलाइन पंप के साथ ट्रैक्टर आपके 3 सिलेंडर दिया गया है, एक वाटर सेपरेटर, नीचे डीजल फिल्टर और एक टूल बॉक्स नीचे दिया गया है। लोहे का फ्यूल टैंक दिया गया है जी। डबल क्लच और सिंगल क्लच ऑप्शन है जी, वो आप ले सकते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर जाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। टाइगर सीरीज जैसे इसके आपको इंडिकेटर मिलेंगे, बिल्कुल टाइगर जैसे, और यहाँ पे ग्रिप दी गई है ट्रैक्टर के ऊपर जाने के लिए। ऊपर दोनों मड गार्ड पे कौशन दिया गया है, सीट दिया गया है, ताकि जो साइड में बैठने वाले हैं उनको काफ़ी आराम मिले, वो भी आराम से ट्रैक्टर पे सफ़र कर सकें ड्राइवर के साथ। कॉन्स्टेंट में साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है जी, और ये फोर व्हील टू व्हील के लिए दिया गया है। मैनी टाइप्स ऑफ PTO स्पीड आपको इसके अंदर मिलने वाली है जी। ये आप देख सकते हैं कि मैनी टाइप्स, यानी कि लाइव PTO, रिवर्स PTO और 540, ये इसके अंदर आपको स्पीड मिलने वाली है। सीट एडजस्टेबल है, आप अपने काम के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर पाएंगे। छोटा स्टेयरिंग दिया गया है जी, 2500 RPM के साथ आपको मिल रहा है जी ये, और लगभग 1800 RPM पे ये अपनी फुल पावर जनरेट करता है, और 540 RPM जनरेट कर देता है। डिजिटल मीटर है, एनालॉग टाइप की इंडिकेशन दी गई है पूरी आपको इसके अंदर, और ये जो है पार्किंग ब्रेक दिया गया है, यहाँ पे आप पार्किंग ब्रेक देख सकते हैं इसका। फ्लैट डेक टाइप का फ्लैट आपको इसके अंदर जो है प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, इसका प्लेटफॉर्म मिलेगा। साइड में आपको उसके बैटरी मिल रही है जी, डबल पंप के साथ आपको ट्रैक्टर मिल रहा है जी, ये देख सकते हैं आप। पावर स्टीयरिंग का अलग पंप है, और इसका हाइड्रोलिक का अलग पंप है। नीचे फिल्टर मिलने वाले हैं आपको अलग अलग दोनों के। कूलिंग सिस्टम कूलेंट दिया गया है इसका। OIB ब्रेक मिलने वाले हैं आपको, डिस्क ब्रेक मिलेंगे। वहीं पर अगर हम इसके PTO की पावर की बात करें तो वो 45.86 HP की आपको उसकी PTO पावर मिलेंगी, और जिसका SFC दिया गया है वो 186 दिया गया है। ये लीवर दिया गया है जिससे आप फोर व्हील और टू व्हील में ट्रैक्टर को अपने कर सकते हैं। ऑयल इमर्सिड ब्रेक मिलने वाले हैं आपको इसके। ये DCPC पॉइंट मिल रहे हैं जी। 2000 kg लिफ्ट कैपेसिटी आप उसकी ट्रैक्टर की मिलने वाली है जी, और मैन स्पीड PTO मिलने वाली है। जो बैक साइड दी गई है वो काफ़ी मजबूत बनाई गई है, ताकि आप जो ढुलाई का काम कर सकें वो बिना किसी रुके थके और बिना किसी टेंशन के कर सकें। 3 पॉइंट मिल रहे हैं आपको ADDC लिंकेज के मिल रहे हैं जी, और नीचे आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, जिससे आप अपनी मिट्टी के चुनाव के साथ अपनी खेती कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको मिल रहा है जी ऑक्सिलरी वाल्व, 2 DC वाल्व मिल रहे हैं आपको इसके अंदर, एक रिफ्लेक्टर मिल रहा है जी, एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट है, और ये बोतल रखने के लिए गेज मिल रही है आपको। पीछे आपको हैलोजन लाइट मिलेगी, स्टाइलिश इंडिकेटर मिल रहे हैं, स्टेबलाइजर आपको इसके टाइप की मिल रही है जिसके अंदर, और एक स्टे बार लगाई गई है इसके अंदर, बीच में रोड लगाई गई है जिससे कि ट्रैक्टर आपका कम से कम वाइब्रेशन करे और आपकी मड गार्ड की सेफ्टी रहे। ये रिवर्स PTO के साथ आपको ट्रैक्टर मिल रहा है जी, रिवर्स PTO के साथ मिलता है। और तो किसान भाइयों, इनके जो मड गार्ड हैं उसके अंदर भी आपको एडजस्टमेंट के पॉइंट मिल रहे हैं, ये देखिए एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
साथ में बेल आइकन उसको भी दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचता रहे। नमस्कार।